ये जो टाइटल है आपका सलमान खान बिगेस्ट फैन, क्या बोलना चाहोगे भाई की एंट्री? देखो वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर, मतलब कान दुख रहे तेरे मेरे। मुझे बोल दो, एक 2014 में ही अजय देवगन ने बात करती थी सलमान से, डोंट टेक योर फैंस एंड ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। अरे जयकांत को मारे कि सिंगम मारे रजनीकांत नहीं, तो ऐसा हो गया था एक्चुअली में। तो जब रणवीर सिंह जब आते ना सेकंड हाफ में, पूरा थिएटर हिल जाता है यार। जी सिने अवार्ड, आईफा, फिर पान मसाला, जितने भी अवार्ड है। सिकंदर का क्या लग रहा है? अब आए हैं तो सलमान की सारी लाइनअप बात करके ही जाएंगे। यस, हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों सिंगम अगेन रिलीज हो गई है, इट्स दिवाली टाइम एंड सिंगम इज रोरिंग एट द सिनेमाज, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और हमारे साथ में काफी लंबे टाइम बाद यस सलमान खान बिगेस्ट फैन अनिल शाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी एंड हैप्पी दिवाली आपको। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। Enjoy Diwali, be safe, मजे करो बिंदास से। सिंगम अगेन आ चुकी है, yes. देख चुका हूँ मैं, कैसी लगी पिक्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा रोहित शेट्टी को एक बोलते ना एक बड़ा सा, जितने भी हमारे इंडियन अवार्ड्स है ना, जी सिने अवार्ड्स, आईफा, फिर पान मसाला, जितने भी अवार्ड्स है सब लाओ रखो, और ऑस्कर भी लाओ। अच्छा, दे दो किसके लिए बताए? अर्जुन कपूर को कास्ट किया 6 लोग के सामने, सो यू कैन इमेजिन एक इतनी शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए कि अर्जुन कपूर को कास्ट करना है 6 लोग के सामने। जो लास्ट मूवी थी लेडी किलर, उसके घर वालों ने देखी थी, मतलब 38,000 का कलेक्शन, 38,000 कलेक्शन जो 20-30 साल पहले होते थे, तो वो कलेक्शन किया था लास्ट मूवी थी लेडी किलर, उसके बाद सीधा ये मिली। सो यार सल्यूट रोहित शेट्टी की, अर्जुन कपूर को कास्ट किया एज अ मेन विलन, सो यू कैन इमेजिन। एंड सेकेंड चीज, और एक अवार्ड मिलना चाहिए सारे एक्टर्स को कि अर्जुन के सामने उन्होंने काम किया अभी पूरी पिक्चर की एंड सरवाइव किया, सो इट्स वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम। चलो बात करते हैं मूवी की। मूवी इज ऑफ कोर्स रोहित शेट्टी की मूवी है, मास मीडिया धमाकेदार, बहुत मजा आके देख के, लेकिन रोहित शेट्टी इसमें थोड़ा सेफ प्ले किया। किस तरह? हिंदी हिंदू माइथोलॉजी का डाल के राम सीता रामायण पूरा दिखा दिखा के, लक्ष्मण और शंकर रोल दिखा के पूरा सेफ प्ले किया। थोड़ा थोड़ा सीन्स हिंदू माइथोलॉजी का डाल रहे हैं, फिर अजय का, फिर अक्षय का, फिर वो सबका, टाइगर का, वो सब डाल रहे, तो पूरा सेफ प्ले कर खेला। इट्स ओके, बट पब्लिक को पसंद आ रही तो अच्छी बात है। अगर जब तक जैसे पद्मावती के टाइम पे, बाजीराव मस्तानी के टाइम पे बहुत कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो अच्छी बात है, तो लोगों को पसंद आ रही है। सेकंड चीज बोलना चाहूंगा दीपिका पादुकोण, शक्ति शेट्टी इसमें जरा भी शक्ति नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर, मतलब कान दुख रहे तेरे मेरे। मुझे लगा था कुछ आया, खून मून तो नहीं आया मेरे को। उसने डेब्यू किया था ओम शांति ओम में, फराह खान का इंटरव्यू देख लो, उसने भी कहा है कि जब भी मैं इसका एडिटिंग करती हूँ आई हैव टू म्यूट हर, सो यू कैन इमेजिन लाइक 16-17 ईयर्स हो गया एंड व्हाट इज शी डूइंग मैन। बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, ये जवानी है दीवानी, अरे इतनी अच्छी अच्छी मूवीज के, चेन्नई एक्सप्रेस, और इसके बाद ये नहीं रे लेडी सिंगम है, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन मैन, पीपल वाज अब्यूजिंग मैन, मतलब पब्लिक को गुस्सा आ रहा था, मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि अरे क्या चल रहा है यार, मत लो ना यार क्या, मतलब एक तो समझ में नहीं आ रहे वो तीन अट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर्स, लाइक सिक्स पैक्स, एब्स एंड मसल्स, एंड वो एक काकड़ी ऐसी 6 फुट की पछाड़ पछाड़ के मारी, उठा उठा के फेंक रही है, फक व्हाट इज दिस गोइंग ऑन मैन। वो कॉमेडी सीन्स एक्चुअली, वो हंसने आया एक्चुअली में कि इतनी पतली, मतलब सारे पुलिस ऑफिसर को, मतलब जो लोग मारे जा रहे थे ना सबको फोड़ दिया, लेकिन ये काकड़ी ऐसी इतनी सी 6 फुट की वो सबको उठा उठा के फेंक रही है, कम ऑन व्हाट इज दिस गोइंग ऑन मैन, तो हंसने आ रहा था वो। अक्षय कुमार, आलिया बजफर, द पानी भी नहीं का दो और बोलो डूब जाओ उसमें, बड़े में छोटे बड़े पूरा वेस्ट कर दिया। yes, yes. देखो सीखो, या तो फिर सलमान से कर लो काम, अगर नहीं जम रहा तो पूरा टोटल वेस्ट कर दिया अक्षय कुमार को एंड टाइगर श्रॉफ को। इतनी बड़ी बोलते ना एक चांस था बहुत बड़ा, एक बड़ी पिक्चर बनाने का, बट वो लेकिन वो नहीं कर पाए। बट सूर्यवंशी यहाँ पे आके थोड़ा सा रोले, बट मजा आ गया था। okay. अच्छा लग रहे थे, अच्छा लग रहे थे देख के, एक हेलीकॉप्टर में एंट्री वेंट्री मार के मजा आ गया देख के। अजय देवगन एज यूजुअल वन ऑफ द बिगेस्ट बोलते ना कि कॉप यूनिवर्स में एकदम मेन हीरो है, पूरा फाड़ दिया, एक एक डायलॉग फाइट सीन्स बहुत जबरदस्त है। बट फिर भी मैं एक ही चीज कहूंगा, इसकी जान एक ही है, सिम्बा, सिम्बा इज द जान, रणवीर सिंह सिम्बा जान है। जब सिम्बा आई थी तभी मैंने बोला था कि सिम्बा 2 करो यार, सिम्बा 2 करो, सूर्यवंशी के नहीं बोला सिम्बा 2 करो, सिम्बा 2 करो। इनफैक्ट अभी जब गोलमाल 4 भी आई थी तभी बोला कि सिम्बा 2 करो, सिम्बा 2 करो, लोग समझ ही नहीं रहे यार, करो यार कैरेक्टर वेस्ट मत करो। क्योंकि यार फिर देखो राधे का कैरेक्टर था 2003 में आया था तेरे नाम, जबरदस्त हो गया था, 2009 में वांटेड आया था, जबरदस्त हो गया, 2020 में क्या हो गया, राधे आधे हो गया। कैरेक्टर खराब मत करो, कैरेक्टर मत खराब करो, वही बहुत, इनफैक्ट मैं सभी लोग गुस्सा हो गए थे, तो कैरेक्टर खराब मत करो, चल रहा अच्छे से बनाओ, पूरा रेंज लेके चलो यार, तो मजा आएगा। आई होप रणवीर सिंह जो वन लाइनर्स थे ना, उसको किडनैप करके लेके आते, फिर उसको मुंह बंद, अरे यार श्रीलंका पहली बार आया सीनियर देखने, तो मुझे
फिर जैकेट ले लेते, अरे यार जैकेट वापस लेके जाऊंगा मैं। तो वन लाइनर जो थी ना बहुत जबरदस्त थी, तो जब रणवीर सिंह जब आते ना सेकंड हाफ में पूरा थिएटर हिल जाता है यार। तो यार वो देखने को मजा आता है। तो आई होप सिम्बा टू, देखो रोहित शेट्टी गोलमाल तो आती रहेंगी, सिंगम भी आएगा, लेकिन सिम्बा टू जरूरी है यार। टाइगर श्रॉफ 3 स्टार दे दिया, इधर भी ऊपर से जम मर रहे हैं, पर इतना सा रोल, 3-4 मिनट का रोल दे रहे, बट वाई वोंट वेस्ट द कैरेक्टर्स। समझ में नहीं, रोहित शेट्टी को इतना बड़ा जो कैरेक्टर्स को बड़े बड़े खींचते, छोटे छोटे रोल देके खत्म कर रहे हैं, तो समझ में नहीं रखी। उससे अच्छा काम तो मतलब दीपिका से अच्छा काम और टाइगर से अच्छा काम, और टाइगर की माने किया था 2 मिनट का काम है, लेकिन बहुत अच्छे रोल जो फाइटिंग करती है, बहुत अच्छी फाइट सीक्वेंस बहुत सही दिखा गया। ओके, अब बात करती है असली विलन की, रावण। सरप्राइज पैकेज, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कहते कि अर्जुन के ऊपर ऐसा कर सकते हैं। दीपिका पादुकोण शर्म माने जी कि अर्जुन कपूर ने आपसे अच्छा काम किया। ओह माय गॉड, यू कैन इमेजिन दैट। अर्जुन कपूर का जो लुक, जो स्माइल देता रावण वाली, ओह दैट्स अमेजिंग। एंट्री सीक्वेंस स्कॉर्पियो बैठ के आते ना, सिर्फ रोहित शेट्टी को पता क्या करना चाहता, एक लॉन्ग शॉट पीछे से सामने से करना चाहिए था, और एक नीचे से कैमरा आना चाहिए उसके, लेकिन फर्स्ट से कैमरा दिखा दिया था, वो थोड़ा दिखाते ना तो यार मजा आता। उसके फाइट सीक्वेंस, ओह उसके डायलॉग बाजी, उसने सीधा बोल दिया जा सिम्बा और सूर्यवंशी को लेकर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और जान सी यार ऐसी। बट लेकिन अगर कंपेयर भी करेंगे तो बॉबी देओल या विद्युत जामवाल या तो फिर जॉन इब्राहिम अगर या थंगा बली या टाइप का कैरेक्टर बनता था बाहर जैसा, तो और मजा आता। लेकिन अर्जुन कपूर ने कहा ना कि बचा ही लिया, क्योंकि दीपिका खराब करी तो किसी को तो कुछ बचाना था, तो इसने बचा लिया था। लेकिन पब्लिक को बहुत ये कर रही थी, ट्रोल कर रही थी ट्रेलर के टाइम पे। मैं खुद बोल रहा कि 6 लोग चाहिए एक अर्जुन कपूर को मरने के लिए, सो यू कैन इमेजिन। इतने तो यार वो एक्चुअल सिंगम मूवी का डायलॉग था, जो फर्स्ट सिंगम आई थी, कह रहे जयकांत शिक्षक बोलते ना, अरे जयकांत को मार के सिंगम मारे रजनीकांत नहीं, तो ऐसा हो गया था एक्चुअली में। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। ओके, फाइनली आते अभी ये जो टाइटल है आपका, सलमान खान बिगेस्ट फैन, क्या बोलना चाहोगे भाई की एंट्री? देखो मैं किस तरह से जो पोस्ट क्रेडिट दिया है, देखो पोस्ट क्रेडिट अगर होता है ना तो एक हुआ था सूर्यवंशी के टाइम पे हुआ था, लेकिन यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट, इसको पोस्ट क्रेडिट बोलते हैं, ये फोन से शूट किया हुआ है, और इतना बड़ा रेंज बना के रखा था कि चुलबुल पांडे दबंग फोर क्या हल्ला मचा के रखा था यार। बात की हाथी की और निकला चीटी, 3 सेकंड सलमान खान 3 सेकंड। 5 साल पहले मैंने बात की थी, 5 साल पहले, डोंट टेक योर फैंस एंड ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। देखो आज आपका हाल क्या है, कोई आपके पीछे देखने को रेडी नहीं है, कितनी पिक्चर है, लगातार डिजास्टर हो रही है। प्लीज स्टॉप टेकिंग फैंस ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। किसके लिए किया है? रोहित शेट्टी के लिए किया? नहीं, अजय देवगन के लिए किया। बिकॉज आपको इनसाइडर बात बोलता हूँ, 2014 में ही अजय देवगन ने बात करती थी सलमान से, लाइक चुलबुल एंड सिंगम साथ में आएंगे, तब से कन्विंस कर रहा है। अभी तो 10 साल हो गए बात को, लेकिन अभी तो कन्विंस नहीं हो रहा। कन्विंस हुए किसके लिए? दाढ़ी मूछ लिखा दी, ये डाल दिया पीछे ग्लासेस, चुलबुल पांडे स्वागत करोगे, एंड दबंग फोर नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, क्या है यार चुलबुल सिंगम? व्हाट चुलबुल सिंगम? चुलबुल सिंगम कुछ साथ में, अरे यार पुराना स्टोरी है, अभी मत लेके आओ, खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो 10 साल पहले लिखी थी रोहित शेट्टी ने। आई डोंट अंडरस्टैंड विद दिस मैन, बट मेरे हिसाब से तो ये होना ही नहीं चाहिए था। एक तो पहले आप बोला करेंगे, फिर बोला नहीं करेंगे, फिर आप बोला करेंगे, फिर बोलते नहीं करेंगे, फिर बोले हाँ उन्होंने चुलबुले बातें की, एक पोस्ट भी डाल रहा हूँ चुलबुले बातें की। क्या चुलबुल बातें? जितना तुम लोग का बड़ा पोस्ट ना, उतना तो उन लोग का उसका सीन भी नहीं है। 3 सेकंड्स मैन, इमेजिन 3 सेकंड्स। जितने फैंस लोग थे मुझे फोन में से बोला कि अरे मजा देखने के लिए, इट्स ओनली ऑफ 3 सेकंड्स। मैं क्या बोलूँ फिर? एपिक डिसअपॉइंटेड मैन, डिसअपॉइंटेड फैन इज डिसअपॉइंटेड बाय द कैमियो। नहीं मत आओ, कैमियो भी नहीं, पोस्ट क्रेडिट दोस्ती यार बंद कर दो अभी यार, बस हो गया यार, अभी खुद पे ध्यान दो। अभी एटली की मूवी करो, या तो फिर अभी आने वाले दिसंबर में वापस दिखने वाले एटली, वो भी बेबी जॉन, बेबी जॉन बोल रहे 25 मिनट का एक्सटेंडेड कैमियो है। टोटली वेस्टेड मैन, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू व्हाई इज डूइंग इट। नहीं करना चाहिए, फुल फ्लेज मूवी करो यार। देखो सबसे योर बेस्ट फ्रेंड शाहरुख खान, लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। ट्राई किया फेल हो गए, ट्राई किया, बट किसी का ऐसा कुछ नहीं किया कि फैंस को कोई तकलीफ हो। फैंस के सुने ठीक है, चलो पठान आ गई, जवान आ गए, डंकी, अभी किंग आ रही है, आई और एक भी है, बट लेट्स सी उसका कुछ होता है कि नहीं, आई वोंट डिस्कस नाउ, बट अगर वो भी आ गए तो फिर शाहरुख खान विल बी ऑन टॉप। ओके, अभी भी टॉप पे, बट सिकंदर का क्या लग रहा है? अब आए हैं तो सलमान की सारी लाइनअप बात करके जाएंगे। सिकंदर का देखते हैं, अभी साजिद नडवाले एटली भी एआर मुरुगो दोस्त है, सो डायरेक्टर तो अच्छी ही है, एंड लेट्स सी कैसा होता है। आई होप कि एक्चुअली कास्ट अच्छी है, रश्मिका भी है, एंड उसमें कटप्पा का रोल भी है, प्रतीक बब्बर भी है। प्रतीक बब्बर को अच्छा काम देना चाहिए, काजल अग्रवाल भी ऐड हुई, देखो तो छोटा सा रोल है, कुछ ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, बट आई होप कि अच्छा सिकंदर निकले। मैंने पता लगा कि रेस्त्री का सिकंदर निकला, सिकंदर से छछुंदर बन जाएगा। तो वो ईद पे आ रही है, और उसके आई थिंक 2 हफ्ते बाद ही वो लॉटरी स्टार की पिक्चर आ रही है, प्रभास प्रभास की, कौन सी आई डोंट नो, राजा राजा साहब, तो देखते हैं क्या होता है फिर।
फाइनल सवाल ये, जो कॉप यूनिवर्स जो जिस तरह से रोहित शेट्टी आगे लेके जा रहा है, क्या लग रहा है, कहाँ पे देख रहे हैं? मैं तो जाऊँ अभी, सबसे पहले यार सिम्बा 2 कुछ करे, सिम्बा का कैरेक्टर आगे बनाना चाहिए। आई होप रणवीर सिंह प्लीज पुश 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 फॉर सिम्बा 2। बाकी सब बाहर में जान दो, सिम्बा करो। मैं बोल रहा हूँ, जब जब आप स्क्रीन पे होते ना, पब्लिक जो आवाज करती, जो ताली बजे तो सीटी बजाती ना, ऐसे अजय की एंट्री भी नहीं हुआ था। सो यार प्लीज डू सिम्बा एंड आगे देखते हैं। अभी तो गोलमाल आएंगी, फिर सिंघम 4-5 कभी आएंगी, लेकिन आई थिंक अगर दबंग की बात करें, आई होप कि रोहित शेट्टी डायरेक्ट करे। अगर रोहित शेट्टी को नहीं करना है तो अनुराग कश्यप है या तो फिर टिकमांशु धुलिया, उसको मौका देना चाहिए। तो अच्छा कुछ करो यार, ऑडियंस को लेके सोचो, फैंस को लेके सोचो, खुद का लेके मत करो। बेस इनके के छोड़ दूंगा, जैसे अभी किया, एक आया, ग्लास डाला, निकाला, चुलबुल पांडे, चुलबुल सिंघम खत्म। आई एम डिसअपॉइंटेड मैन। इनफैक्ट अब सोशल मीडिया भी खोल के देखोगे ना, ईच एंड एवरी सलमान फैन विल बी सेइंग सेम थिंग कि अरे यार एपिक डिसअपॉइंटेड। बट द फिल्म इज गुड, फिल्म इज वेरी गुड, फैमिली ऑडियंस मूवी है, जाके देख सकते हो। दिवाली का माहौल है, प्लीज जाके देखो। मैं हमेशा वही कहता हूँ, नहीं देखी चलेगा मत देखो, बट प्लीज डोंट डाउनलोड, डोंट यूज पायरेसी एंड ऑल, आगे देखो मजा आ जाएगा। यस, तो ये थे सुपर ऑनेस्टली विद अस सलमान खान बिगेस्ट फैन अनिल शाह। मैं थैंक यू बोलूंगा फॉर ज्वाइनिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड चाहेंगे कि रेगुलरली आते रहे। ट्राई करेंगे, अभी तो चल रहा है, देखते हैं। अभी देखते हैं ये चिला हुआ अंडा क्या, अपना ये चिला हुआ अंडा, ये कार्तिक आ रहे हैं तो देखते हैं उसने भूल भुलैया 3 में क्या किया है। सो वी विल सी, देखते कैसा, क्योंकि विद्या बालन का भी अपडेट लेके आए, विद्या बालन, तो विद्या क्या देखूंगा यार। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।